हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक। दिस इज शिवदत्त शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। एंड हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने काफी सारे टॉपिक्स कंप्लीट भी कर लिए। उन सभी टॉपिक्स में पहले चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पेपर्स में आया हुआ, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेवेंट होता है हमेशा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लोग के लिए। और जब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोर देन 99% इसके चांस है पेपर में आने के। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रेलिवेंट क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में दिखता ही दिखता है। तो इस टॉपिक को बाकी सब टॉपिक के कंपैरिजन में देखो, पढ़ना तो सारा ही अच्छा है, लेकिन बाकी सभी टॉपिक्स के कंपैरिजन में इस टॉपिक को थोड़ा और बेहतरी से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना, और साथ साथ चीजों को बिल्कुल दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? ये डाइपोल एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र तुमने पहले केमिस्ट्री वगैरह में या कहीं अपनी डेली लाइफ में भी कहीं सुना हो। तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? डाइपोल मतलब डाई मतलब दो, और पोल मतलब पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब नेचर, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। हमेशा हम फिजिक्स में जब कभी पोलैरिटी की बात करते हैं, पोलर नेचर की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। तो व्हाट यू मीन बाय डाइपोल? डाइपोल मीन्स दो पोलैरिटी वाला। डाई मतलब दो, पोल मीन्स पोलैरिटी। तो दो पोलैरिटी वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। लेकिन इसको हम यहाँ अभी रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, अभी हम चीजों को अच्छे समझेंगे अपने करिकुलम के हिसाब से। तो हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है, मैं समझ पा रहा हूं कि तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? लिखा हुआ दिख रहा है मतलब, ठीक है? देखो, व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस। बहुत ध्यान से सुनो, कोई हवा हवाई डेफिनेशन, ये बहुत सिंपल सी बात है। जब कभी दो इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा चार्ज का, वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर एक 10 कूलम का है तो दूसरा भी 10 कूलम का होना चाहिए, एक 20 कूलम का है तो दूसरा भी 20 कूलम का ही होना चाहिए, और एक 1000 कूलम का है तो दूसरा भी 1000 कूलम का होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, यानी कि दो चार्ज होने चाहिए हमेशा। कितने चार्ज? दो चार्ज, डाय मतलब दो। और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? बिल्कुल इक्वल होना चाहिए हमेशा, सटीक, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल, हल्का सा भी ज्यादा का या कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, व्हेनेवर टू इक्वल, लेकिन वो क्या बोल रहा है? बट अपोजिट। लेकिन दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस तो दूसरा माइनस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 10 कूलम का चार्ज है तो दूसरा माइनस 10 कूलम का होना चाहिए, एक प्लस के 1000 कूलम का चार्ज है तो दूसरा माइनस के 1000 कूलम का होना चाहिए। और जब कभी भी ऐसे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को आप एक दूसरे से एक किसी छोटे से सेपरेशन पर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रख देते हो, तो क्या बनता है? तो बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि व्हाट यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? सो व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस are separated by some equal distance. Whenever two equal and opposite charges are separated by some small distance, बहुत छोटा separation रख गया उनके बीच में, then जो system जो बनता है दो charge का एक साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? Electric dipole बोलते हैं, ठीक है? तो ये तुमको समझ में आना चाहिए अच्छे से। Whenever two equal and opposite charges are separated by some small distance, they forms क्या? Electric dipole बनाते हैं। यानी कि इसको अगर मैं represent करना चाहूँ तो ऐसे represent कर सकता हूँ। Suppose मेरे पास ये कोई एक charge है, कितना मान लेते, चलो इसको प्लस का क्यों चार्ज मान लेते, और इसी से कुछ स्मॉल सेपरेशन पर, इसी से कुछ स्मॉल सेपरेशन पर मैंने मान लिया कुछ सेपरेशन दोनों चार्ज के बीच में, और हमारे पास दूसरा चार्ज है। अब तो डाइपोल होने के लिए दूसरे चार्ज को भी कितना होना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड सेम, यानी कि ये भी होगा तो क्यों, लेकिन अगर ये प्लस का है तो ये कैसा होगा? माइनस का होगा। क्या तुमको बात समझ आ रही है? या फिर मैं इसको माइनस का लिख सकता हूं, इसको क्या लिखना पड़ेगा? प्लस का लिखना पड़ेगा। वो तो सिंपल हम समझ ही जाएंगे, लेकिन पॉइंट समझो यहां पर क्या है कि दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए, और मैग्नेट और नेचर में कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। यानी कि जब कभी दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर रख दिया जाए, तो जो सिस्टम बनता है, सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन को, ताकि हम कैलकुलेशन इजी बना लें या बहुत सारे डेरिवेशन हम करेंगे उसमें सिंपलिसिटी आ जाए, तो हम इस सेपरेशन को कितना मानकर चलते हैं? 2L मानकर चलते हैं। कितना मानकर चलते हैं? 2L, कि दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितना है? 2L। अरे तुम L भी मान सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारे सिंपल हो, हम इसको आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सके इधर उधर, तो हमने इसको कितना मान लिया? सिमेट्रिक मान लिया, यानी कि 2L मान लिया। क्या तुमको यहां तक बात समझ में आ रही क्या? तो जब कभी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को एक दूसरे से स्मॉल सेपरेशन पर रख दिया जाए, तो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है? देखो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ये तो चलता ही रहेगा। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, छोटा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो टॉपिक क्या है हमारे पास? वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर इसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोल देते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसको स्मॉल पी से दिखाते हैं। वेक्टर है तो ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? एरो लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो भी है वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये है क्या? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज
ऑफ द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन दैम। देखो तुमको बात सुना देगा, बहुत सिंपल सी बात। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ, अब किस चीज का मल्टीप्लाई, ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि डाइपोल के कोई सा भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब हमें पता है मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, तो दोनों में से किसी एक भी मैग्नीट्यूड को ले लेता हूं। याद रखना मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस, मॉडुलस मतलब सिर्फ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने इसका कोई सा भी एक चार्ज ले लिया, सपोज हमने ले लिया क्यू, ठीक है। अब इस चार्ज की मल्टीप्लाई किससे कर दो, सेपरेशन बिटवीन देम, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना सेपरेशन है। तो क्या मैं इसकी मल्टीप्लाई किससे कर सकता हूं, इसकी मल्टीप्लाई 2L से कर सकता हूं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट। तो व्हाट डू मीन बाय डाइपोल मूवमेंट, सर डाइपोल मूवमेंट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑफ ईदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी, अच्छा ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सर अभी मैं फिलहाल मोड में लिख रहा हूं, तो इसको हम याद रखने के लिए ऐसा 2QL करके लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो मुझे इसकी एक बार यूनिट बता दो, फिर मैं तुमको इसकी डायरेक्शन भी बताता हूं। देखो इसमें टू कांस्टेंट है, ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, और ये लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, यानी कि कूलम्ब मीटर, क्या जाएगा, कूलम्ब मीटर, यानी कि इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, कूलम्ब मीटर होती है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की एसआई यूनिट तुमसे कई बार पूछ लेते, कूलम्ब मीटर, डायमेंशनल फॉर्मूला तुम इसका अपने आप निकाल सकते हो, निकाल लेना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, याद रखना इसकी डायरेक्शन हमेशा, क्योंकि वेक्टर है, डायरेक्शन पता नहीं पड़ेगी हमेशा, ये मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा, डायरेक्शन कैसे, इसकी डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। सुनो ध्यान से, इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां से होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि यहां पर अगर मैं बात करूं डाइपोल मोमेंट पी, तो पी की डायरेक्शन क्या होगी, सर पी की डायरेक्शन विल बी फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो नेगेटिव चार्ज से किस तरफ होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड है, मान रखा लोगों ने, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट छोटा सा टॉपिक है, तुमको आना चाहिए अच्छे से, इसके बारे में अच्छे से इसको समझो, कॉपी में नोट डाउन करो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या पढ़ चुके हैं क्या, बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूं तुमको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हर एक कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, ये कैलकुलेट करना है कहां पर, एक्सियल पॉइंट पर। तो चलो समझते हैं सिचुएशन को कैसे कैसे, अच्छा किसकी वजह से निकालना है, डाइपोल की वजह से, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डाइपोल। तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल सपोज यहां पर बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक चार्ज है, और इस चार्ज को मैंने सपोज कितना मान लिया, माइनस क्यू। तो अगर ये चार्ज माइनस क्यू है, तो इसी से कुछ स्मॉल सेपरेशन पर क्या एक दूसरा चार्ज भी होगा, और इस चार्ज को कितना मानना पड़ेगा, प्लस का क्यों, क्या तुमको बात समझ गया भाई। तभी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा, दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेस, और ये बिल्कुल इसका मिड पॉइंट है, और इसका टोटल सेपरेशन कितना होता है हमेशा, 12। तो अगर 12 है और ये मिड पॉइंट है, तो मुझे बताओ ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, एल। तो अगर ये एल, तो ये बचा हुआ भी कितना होगा, एल होगा। यहां तक बात समझ आ रही है अच्छे से। अब इसकी वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एन एक्सियल पॉइंट, दोनों चार्जेस से पास करने वाली एक इनफाइनाइट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, और उस एक्सिस पर पड़ने वाला हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया वो पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, ये वो पॉइंट है, पी पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ सिस्टम। अब मैंने तुमको सिखा रखा है कि दो अलग अलग चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, निकाल सकते ना, पहले एक की वजह से निकालो, फिर दूसरे की वजह से निकालो, दोनों को क्या कर दो, वेक्टर की तरह ऐड कर दो। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी, ये पॉइंट डाइपोल से कितना दूर है। और जब भी कभी हम बात करें डाइपोल से कितना दूर है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम कहां से मेजर कर रहे हैं, डाइपोल के बिल्कुल सेंटर से मेजर करेंगे, डाइपोल के बिल्कुल सेंटर से मेजर करेंगे। तो डाइपोल के बिल्कुल सेंटर से ही कितना दूर हो जाएगा, मैंने मान लिया डाइपोल के सेंटर से आर सेपरेशन पर है, कितने सेपरेशन पर, आर सेपरेशन पर। सबसे पहले कंडीशन समझनी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि डेरिवेशन में डायग्राम नहीं होता, डायग्राम में डेरिवेशन होता है। तो अगर तुम इसको अच्छे समझ गए, बाकी सब तो खेल है, आसान है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस 2L। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पी, एक्सियल पॉइंट पी। नाउ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे पॉइंट हो, द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विल ऑलवेज बी रेफर्ड और मेजर्ड फ्रॉम द क्या, मिड पॉइंट। यानी कि इसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन की तरह बिहेव करता है इसको, और इससे हमने रेफरेंस मान लिया, और यहां से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना मान लिया, r। यहां तक तुमको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। चलो करते हैं काम शुरू। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, चलो प्लस के चार्ज की वजह से निकालो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू प्लस चार्ज। सबसे पहले क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, और फिर क्या बताते हैं, डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अच्छा मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही तो फॉर्मूला है, 1/4πε0 सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज कैसा रखें, प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, ऐसा नहीं मॉडुलस है तो हम सिर्फ क्या चीजें प्लस की आएंगी, तो सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड रखना है। अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होता है, आर स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखो, इसकी वजह से निकाल रहे हो तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है आपको ये पता होना चाहिए। तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है, इससे ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो ये पूरा कितना है आर, और आर में से इस डिस्टेंस में से आर में से अगर मैं एल माइनस कर दूं तो ये कितना बचेगा, ये डिस्टेंस आएगा निकल के आर माइनस एल। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आर माइनस एल। तो इस पॉइंट से जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो इससे वो पॉइंट कितना दूर है, सर इससे आर माइनस एल दूर है। और नीचे क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आर माइनस एल का होल स्क्वायर। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर वन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो और फिर डायरेक्शन दिखाओ। अब डायरेक्शन दिखाने तुमको आती है, मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से निकाल रहे हो कि माइनस की वजह से, सर प्लस की वजह से, और प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो इस प्लस के चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू वेक्टर। क्या तुम बात सुनाई गया, समझो इसको अच्छे से। सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो फिर डायरेक्शन दिखाओ, बिल्कुल सेम हम किसके लिए रिपीट करेंगे, माइनस के लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताओ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो माइनस क्यू की वजह से। निकालो 1/4πε0 सोर्स चार्ज। देखो फिर से माइनस क्यू नहीं रख रहा हूं, क्यों नहीं रख रहा हूं माइनस क्यू, क्योंकि मोड है और मोड हमेशा सिर्फ वैल्यू देखता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। अपॉन में डिस्टेंस बताओ इस चार्ज से ये कितना दूर है भाई, यहां से लेकर यहां तक तो आर हो गया, कितना रह गया एल। तो टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का कितना हो जाएगा, ये पॉइंट पी पॉइंट इस माइनस से कितना दूर है, आर प्लस एल। तो यहां पर क्या पुट कर दूंगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। या गया इक्वेशन नंबर सेकंड। बोलो बस मैं क्या, मैग्नीट्यूड निकालो डायरेक्शन दिखाओ, माइनस की वजह से डायरेक्शन किस तरफ होगी इस पॉइंट पर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट पर देखते हैं जिस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो किस तरफ होगी, सर माइनस हमेशा अंदर की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। लेट दिस बी कितना, ई ड्यू टू माइनस क्यू वेक्टर। आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, क्या हो गया काम। अब क्या करते हैं, नेट निकालें इस पॉइंट पर। नेट कैसे निकालेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू, अरे कर रखा है ना पिछली बार भी लेक्चर में, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन के अनुसार हम क्या जानते हैं बताओ, सुपरपोजिशन के अनुसार हम जानते हैं कि सर वेक्टर की तरह जोड़ दो। अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट पॉइंट पी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको निकाल, अच्छा एक्शन निकाल दे, तो मैं यहां पर क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ऐसा लिख के काम चला रहे सबस्क्रिप्ट में। तो एक्शन पॉइंट कितना देगा, सर दोनों की वजह से निकाल लो, ई प्लस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और प्लस ई माइनस क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वेक्टर की फॉर्म में, सबसे पहले हमेशा वेक्टर की फॉर्म में, अगले स्टेप में क्या करते हैं, मोड, मोड की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके। जब भी कभी ऐसा होता है कि दोनों एक ही लाइन पर पड़ जाए, तो एक तरफ प्लस मान लो दूसरी तरफ माइनस, अब किसको प्लस माने किसको माइनस माने ये कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस, आंसर भी आ जाएगा। लेकिन तरीका ये कहता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो उसको पॉजिटिव मानो, और जो छोटी है उसको नेगेटिव मानो। हालांकि कर तुम कुछ भी सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, चलो समझते हैं। तो मुझे बताओ इसकी वजह से इस पॉइंट पर ज्यादा दबदबा होगा, या इसकी वजह से इस पॉइंट पर ज्यादा दबदबा होगा, सोचो। फंडामेंटल्स है बिल्कुल, किस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पर और सेपरेशन पर। मैं चार्ज तो दोनों का बराबर ही है, प्लस क्यू माइनस क्यू है तो बराबर ही ना, तो लेकिन किस पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पर। तो क्या इसके बहुत पास है, क्या इसके बहुत पास है, तो उसका दबदबा ज्यादा होगा, यानी कि उस तरफ ज्यादा होगी, तो उस तरफ प्लस और इस तरफ माइनस। तो मैंने उस तरफ को क्या मान लिया, प्लस, उस तरफ को क्या लिखिए, माइनस। तो जब मैं अगले स्टेप में मोड की फॉर्म में लिखूंगा, तो ई प्लस क्यू का मोड जब मैं लिख रहा हूं, ई प्लस क्यू का मोड में लिख रहा हूं, तो मैंने किसमें लिखा, प्लस में, क्यों, क्योंकि मैंने उस तरफ प्लस मान लिया। अब अगर उस तरफ प्लस मान लिया तो इस तरफ क्या मानना पड़ेगा, माइनस। तो यहां पर क्या जाएगा, माइनस मोड किसका, ई माइनस क्यू का मोड। अरे बिल्कुल वेक्टर है, क्लास 11th में भी था ऐसा। अब देखो ध्यान से, क्या करूं, दोनों की वैल्यूज पुट कर दूं, तो 1/4πε, ये तो मेरे पास है ना, ई प्लस क्यू, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस ई माइनस क्यू की वैल्यू रख दो, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो क्यू अपॉन 4πε0 हमने क्या ले लिया, कॉमन, 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। क्या ऐसी कंडीशन हमने सॉल्व की थी क्या लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्वेश्चन में जैसे ही कर रहे थे कि मिलता जुलता, ठीक है, चलो करते हैं आगे। तो q अपॉन 4πε0 एज इट इज
एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। अब आर माइनस एल के होल स्क्वायर के पास क्या नहीं था, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस। अब ये आर प्लस एल इसके पास क्या नहीं था, आर माइनस एल वाला नहीं था, तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसे एक तरीका याद रखने का, बाकी तो तुम कर ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चों को लगती है इसमें सर इसमें ही तो सारी बड़ी बात है, तो उनके लिए मैं ऐसा बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो ई एट एक्सियल हम निकाल रहे हैं, ई एट एक्सियल मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इक्वल टू में क्या चलेगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। अब ध्यान से बताना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस से ना माइनस से खोल रहा हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, बता सकते हो ना, बिल्कुल लीजिए क्या आएगा, प्लस का फोर आर एल, प्लस का फोर आर एल, अपॉन में कितना, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। भाई तो सिंपल है, देखो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, पिछले लेक्चर में किया भी था, मिलता जुलता, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस से खुला इसलिए सबके साइन यहाँ वालों के क्या हो गए, चेंज हो गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होना चाहिए था, लेकिन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कर दिया, क्यों, क्योंकि साइन अपोजिट कर दिए, अरे समझ जाओगे ना यार, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या क्या चीजें कट रही है, प्लस के आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर कैंसिल, प्लस के एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल, तो टू आर एल, टू आर एल, अरे टू आर एल आएगा ना, हाँ टू आर एल, तो टू आर एल प्लस टू आर एल कितना हो जाएगा, फोर आर एल। तो ई एट एक्सियल पॉइंट का मैग्नीट्यूड आया क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो रहा है, फोर आर एल, अपॉन में कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर स्क्वायर। बोले तुमको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब देखो इसी को कैसा लिख सकते हैं, तो ई एट एक्सियल कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसा लिखता हूं बिल्कुल सेम, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अब फोर को क्या लिख सकता हूं मुझे बताओ, 2 इंटू टू करके लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, 2 इंटू टू इंटू क्यू एल इंटू आर। बताओ क्या ऊपर वाली चीज को मैंने तोड़कर लिख लिया क्या, बस और कुछ नहीं, चेक कर सकते हो तुम, अब उनमें क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस ब्रेक करके लिखा कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, इसमें ये 2 क्यू एल पढ़ रखा है क्या, ये किसके बराबर होता है, डाइपोल मूवमेंट के बराबर, किसके बराबर, डाइपोल मूवमेंट के बराबर। तो यहां पर ई एक्सियल, ई एक्सियल का मोड कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू एज इट इज, इसके लिए मैं क्या लिख दूं, पी इंटू में क्या चल रहा है, आर अपॉन में कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसमें हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, हमेशा क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, हम ये कहेंगे कि डाइपोल अगर बहुत छोटा होगा, डाइपोल छोटा है बाकी सब सेम है, डाइपोल छोटा हो जाता, तो डाइपोल छोटा हो जाता तो ये एल बहुत छोटा हो जाता, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, आर तो सेम है, तो इफ R is very very greater than L, dipole is very short, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, dipole is very short, dipole is very short, तो अगर मैं dipole is very short बोलता हूं तो R के सामने L को क्या कर सकता हूं, ignore कर सकता हूं, तो E axial ऐसा करने पर कितना आ जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught as it is, 2 pi R as it is, upon में क्या L को ignore कर सकता हूं, बिल्कुल, और R square का square करूंगा तो R की power 4, अब R से R की पावर 4 काटूंगा तो कितना देगा, R की पावर 3, आया कुछ नहीं है, तो यानी कि मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, सिंपल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन R क्यूब। बोलो आया कि नहीं आया, ये हमने एक्शन पॉइंट पर क्या कैलकुलेट कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब भी कभी आंसर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट मत भूलना, न्यूटन पर कूलम, इतने न्यूटन फोर्स लगेगा हर एक कूलम पर अगर यहां रख दो तो। बोलो तुमको आया नहीं, ये हमने क्या कैलकुलेट करा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इसको करो अच्छे से समझो, अगर तुमको कुछ भी डाउट आता है बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, हालांकि इसमें आना नहीं चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल बहुत तरीके से इसको आगे तक करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मैंने तुमको पहले इसलिए करा दिया था डिस्क्रीट वाले सिस्टम में, ठीक है, करो इसको आगे बढ़ते फिर, ओके।